Hello students and welcome back to my channel Swati's BioWorld. Here I am with another video, and today in this video I will be taking up the topic thyroid gland, parathyroid gland and thymus. In the last videos we have discussed about hypothalamus, pituitary gland and pineal gland. So starting up with the video, first of all the same thing, that where is thyroid gland located. So, thyroid gland is a bilobe structure and it is located in neck region. कैसी होती है थायरॉयड ग्लैंड? दो लोब्स होते हैं जो नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया के दोनों तरफ कनेक्टेड रहते हैं, और जो दोनों लोब्स हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं और उस कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं हम isthmus. सो थायरॉयड ग्लैंड कैसी है? बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, ट्रैकिया के अराउंड प्रेजेंट है और दोनों लोब्स कनेक्टेड हैं isthmus से. Here is a diagrammatic view of thyroid gland. These bilobed structure present around trachea and both lobes are connected by a connective tissue called isthmus. Now structure की बात करते हैं तो जो thyroid gland होती है वो दो तरह के सेल से मिलकर बनी होती है, फॉलिकल सेल एंड स्ट्रोमल सेल, या कह सकते हैं कि फॉलिकल टिश्यू और स्ट्रोमल टिश्यू. अब बात करें कि फॉलिकल टिश्यू और स्ट्रोमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है, तो फॉलिकल टिश्यू का मतलब क्या होता है या फॉलिकल सेल्स का क्या मतलब होता है कि एक कलेक्शन ऑफ सेल्स एनक्लोजिंग अ कैविटी, कि एक कैविटी के अंदर जो सेल्स का ग्रुप होता है उनको कहते हैं हम फॉलिकल्स. और स्ट्रोमल क्या करता है? स्ट्रोमल जो सेल है हमारी, स्ट्रोमल टिश्यू है, वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो फॉलिकल्स को होल्ड करके रखता है. सी इन दिस डायग्राम, दिस इज अ थायरॉयड ग्लैंड एंड दीज आर कैविटी, and inside the cavity collection of cells are present here, and these collection of cells enclosing a cavity called follicular cells, and these follicular cells are connected by stromal tissue. तो जो ये cavities को connect करके रखा है इसको कहते हैं हम stromal tissue. Now follicular cells synthesize two hormones, first is tetraiodothyronine and second is triiodothyronine. तो टेट्राआयोडोथायरोनिन का मतलब क्या है? टेट्रा मीन्स फोर एंड आयोडो मीन्स आयोडीन, कि क्या हुआ इसमें फोर आयोडीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और ट्राइआयोडोथायरोनिन में हमारे तीन आयोडीन मॉलिक्यूल है. तो अगर इसकी बात करें टेट्राआयोडोथायरोनिन की, इसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं. अभी तक क्या बताया कि थायरॉयड ग्लैंड हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर है जो ट्रैकिया के अराउंड प्रेजेंट होता है, दोनों लोब्स इंटरकनेक्टेड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से जिसको कहते हैं हम isthmus. इसके स्ट्रक्चर की बात की तो थायरॉयड ग्लैंड में क्या क्या होता है? फॉलिकल टिश्यू होता है, स्ट्रोमल टिश्यू होता है. फॉलिकल टिश्यू कैविटी के अंदर रहता है और जो स्ट्रोमल टिश्यू है वो फॉलिकल टिश्यू को होल्ड करके रखता है. अब फॉलिकल टिश्यू हमारे दो हार्मोन सिंथेसिस करते हैं, आयोडीनेटेड हार्मोन है दोनों, एक टेट्राआयोडोथायरोनिन और दूसरा ट्राइआयोडोथायरोनिन. जो टेट्राआयोडोथायरोनिन है उसको कॉमनली थायरोक्सिन भी कहते हैं. अब क्योंकि आयोडीनेटेड हार्मोन है तो इसका मतलब क्या है कि इनके सिंथेसिस के लिए आयोडीन असेंशियल है, इसलिए क्या करते हैं आयोडाइज्ड सोल्ट जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आयोडाइज्ड सोल्ट लेना चाहिए. तो यही रीज़न है आयोडाइज्ड सॉल्ट लेने का. नाउ आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड, इसकी बात कर चुके. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म, कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और इस कंडीशन को कहते हैं हम गोइटर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, जो थायरोक्सिन है वो नहीं बनेगा और उससे क्या हो जाएगा, एक कंडीशन डेवलप होगी जिसको कहते हैं हम हाइपोथायरॉयडिज्म. और इसमें क्या होगा, जो थायरॉयड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाएगी, जो नेक रीजन है हमारा वो स्वेल हो जाएगा, और उस कंडीशन को कहते हैं हम गोइटर. ये डिसऑर्डर क्या कहलाता है? goiter. Enlargement of thyroid gland is known as goiter. Now, what is the function of thyroxine? Thyroxine controls basal metabolic rate. क्या करता है थायरोक्सिन? बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है. नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इफ आई एक्सप्लेन मेटाबॉलिज्म देन मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आवर बॉडी परफॉर्म्स आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, लाइक रेस्पिरेशन, वॉकिंग, रनिंग, डाइजेशन. कोई भी एक्टिविटी जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, ये सारा हमारा किसमें आता है? मेटाबॉलिज्म में. साथ ही साथ जो थायरोक्सिन है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का मेटाबॉलिज्म भी करता है. अब बात करते हैं ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन की. अगर थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म. और अगर उसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म. अब इन दोनों में सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो क्या है कि क्या कहा कि जो थायरोक्सिन है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है. तो इसका मतलब है कि अगर कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म की है, जो हार्मोन है उसका अंडर सिक्रीशन हो रहा है, तो क्या होगा? जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत कम होगा. अब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है तो जो पर्सन है वो कैसे हो जाएंगे? लेजी, लेथार्जिक. वहीं अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की बात की जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म में बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसी वजह से क्या होता है? वेट लॉस होता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच वन सेपरेटली. अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात की जाए तो चिल्ड्रन में एक कंडीशन होते हो जाती है जिसको कहते हैं हम क्रेटिनिज्म. वहीं एडल्ट्स में होता है मिक्सडीमा एंड इन एडल्ट वीमेन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो व्हाट इज़ क्रेटिनिज्म एंड मिक्सडीमा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? जो ग्रोइंग बेबी होता है उसका फुल्ली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और उस कंडीशन को कहते हैं हम क्रेटिनिज्म. क्या हो जाती है? ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ, और इसको कहते हैं क्रेटिनिज्म. समझ में आया? चिल्ड्रंस में क्या होता है? फिजिकली रिटायर्ड हो जाते हैं, मेंटली रिटायर्ड हो जाते हैं और इस कंडीशन को कहते हैं क्रेटिनिज्म. वहीं एडल्ट्स में क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ फेस एंड नेक रीजन. तो इसमें क्या हुआ? फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेशन और इसमें स्वेलिंग ऑफ फेस एंड नेक रीजन. अब देखो दोनों में क्या होता है कि चिल्ड्रंस में क्या हुआ? जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं हुई, लेकिन एडल्ट्स में क्या हो रहा है? थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फॉर्म तो है लेकिन जो हार्मोन है उसका क्या हो रहा है? अंडर सिक्रीशन, हार्मोन की डेफिशिएंसी है. इस वजह से क्या हुआ? मिक्सडीमा. लेकिन यहाँ जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं है, इस वजह से क्या हुआ? यहाँ क्रेटिनिज्म. और साथ ही साथ क्या हो जाता है? लो इंटेलिजेंस क्वेशेंट, मीन्स वो पढ़ नहीं पाते. एबनॉर्मल स्किन जो है वो प्रॉपर नहीं होती. डीप म्यूटेज मीन्स बोल और सुन नहीं पाते. अब एडल्ट वुमेन में क्या होता है? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, की जो मेंस्ट्रुएशन है वो कैसे हो जाते हैं? इरेगुलर. नाउ नेक्स्ट हाइपरथायरॉयडिज्म. अब हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या हुआ कि जो हार्मोन है उसका ओवर सिक्रीशन हो रहा है. तो हार्मोन का ओवर सिक्रीशन कैसे होगा? जब हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें कैंसर हो जाता है तो जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है और उसी को कहते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म. अब इस हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर. हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या था? हमारा सिंपल गॉइटर, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है? एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर. इसको ग्रेव्स डिसीज भी कहते हैं. इसमें क्या होता है? क्या सिम्टम्स है इसके? इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये बात कर चुके हैं. साथ ही साथ वेट लॉस हो जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट के बढ़ने से. इसमें एक जो मेन पॉइंट है वो है प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, की जो आई बॉल्स होती है वो कैसी होती है? आपने देखा होगा कभी कभी कि किसी की आई बॉल्स बाहर की तरफ को होती है, प्रोट्रूड होती है. तो क्या है कि ये एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर का सिम्टम्स है. और साथ ही साथ एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. नाउ थायरॉयड ग्लैंड एक और हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको कहते हैं हम थायरोकैल्सिटोनिन, और ये एक नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन है, मींस इसके सिंथेसिस के लिए आयोडीन नेसेसरी नहीं है। अब थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है, और इसको हम हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड आर 4 इन नंबर एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। मीन्स थायरॉयड ग्लैंड की जो बैक रीजन है उसमें प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब क्योंकि कहा कि 4 इन नंबर, तो इसका मतलब है कि 1 पेयर इन ईच लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। दो लोब से बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था थायरॉयड ग्लैंड, तो दोनों लोब में एक एक पेयर प्रेजेंट होता है। लाइक दिस इज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। दिस इज ट्रेकिया, डोर्सल साइड ऑफ ट्रेकिया, एंड दीज आर थायरॉयड ग्लैंड। सो इन ईच थायरॉयड ग्लैंड 1 पेयर ऑफ पैराथायरॉयड इज प्रेजेंट, 1 इज हियर एंड 1 इज इन दिस लोब। सो टोटल 4, 1, 2, 3 and 4। सो लोकेशन समझ आई, पैराथायरॉयड आर 4 इन नंबर and are present on the dorsal side of thyroid gland या back region of thyroid gland, one pair in each lobe। Now parathyroid hormone, parathyroid gland एक hormone secrete करते हैं जिसको कहते हैं parathyroid hormone और पैराथ हार्मोन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये क्या करता है, TCT के साथ मिलकर, थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर ब्लड में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल है उसको मेंटेन करता है। अब कैसे करेगा, अब जो पैराथ हार्मोन है वो किस पर एक्ट करता है, बोन्स पर एक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक्ट करता है और किडनी पर एक्ट करता है। बोन्स में क्या होता है, रीजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, वहीं किडनी में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन। तो बोन्स में क्या करता है, बोन्स में करता है डिसोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि बोन्स जो कैल्शियम है उसको डिसॉल्व करके और ब्लड में डाल देता है। समझ में आया, पैराथ हार्मोन बोन पर एक्ट करेगा और यहाँ क्या करेगा, रीजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, मीन्स कि जो बोन्स में कैल्शियम प्रेजेंट है उसको डिसॉल्व करा के और उसको ब्लड में डाल देता है। वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के टाइम पर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, पैराथ हार्मोन, और किडनी में रीनल ट्यूब्यूल्स में उस जो रीएब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम आयन का वो भी कौन कराता है, पैराथ हार्मोन। इसलिए जो हमारा पैराथ हार्मोन है इसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, बिकॉज इट इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल। हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन किसको कहा था, थायरोकैल्सिटोनिन, एंड हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन इज पैराथ हार्मोन। नाउ थाइमस ग्लैंड। अगर थाइमस ग्लैंड की लोकेशन की बात की जाए तो इट इज़ लोब्यूलर स्ट्रक्चर, मीन्स बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि थायरोइड जो थाइमस है वो हार्ट के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। तो थाइमस एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जो कि हार्ट की डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स। अब थाइमस का क्या काम है, थाइमस प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में थाइमस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं थायमोसिन, और थायमोसिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। अब थायमोसिन क्या करता है, थायमोसिन क्या करता है, थायमोसिन हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स आर द टाइप्स ऑफ WBC। हमारी बॉडी में जो डिफेंस का काम है वो कौन करता है, WBC, और जो लिम्फोसाइट है वो WBC का ही टाइप है। और लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस में होता है, कौन करता है, थाइमोसिन। अब जो लिम्फोसाइट है वो दो तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट है जो हम वो क्या करती है, हमारी एंटीबॉडी बनाती है, वहीं टी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में। अब जो टी लिम्फोसाइट है वो कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और साथ ही साथ अभी बताया कि जो बी लिम्फोसाइट है उनको हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब है कि अगर बॉडी में कोई पैथोजन है तो सेल उस पर सीधे अटैक करेगी और उसको किल करेगी। वहीं अगर ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात की जाए तो इसका मतलब क्या है कि पहले वो कोई केमिकल बनाएंगे और फिर वो केमिकल क्या करेगा या वो एजेंट क्या करेगा, उस पैथोजन को किल करेगा। तो सेल मीडिएटेड में सेल डायरेक्ट अटैक कर रही है, वहीं ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, पहले एंटीबॉडी बना रहे हैं और फिर वो एंटीबॉडी जाके उस पैथोजन पर अटैक कर रही है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि थाइमस डिजनरेट एट ओल्डर एज। जो थाइमस होता है उसका साइज ओल्डर एज में डिक्रीज होता जाता है और माइक्रोस्कोपिक रह जाता है इन ओल्डर इंडिविजुअल, और यही रीज़न है कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। So this is the end of the video. If you like the video then hit like button and subscribe the channel. Stay home, stay safe. Thank you.